नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। आतंकवाद के मुद्दे पर भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को आईना दिखाया है। ये दुनिया भर में जग जाहिर है कि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है और वहां की सरकार आतंकवादियों का समर्थन करती है, उनका साथ देती है और पाकिस्तान कश्मीर को हथियाने का ख्वाब देखता है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक बार फिर कश्मीर राग अलापा है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी भारत ने पाकिस्तान को आईना दिखाया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की प्रथम सचिव स्नेहा दुबे ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को जमकर फटकार लगाई और कहा कि आतंकियों का खुला समर्थन करने का पाकिस्तान का इतिहास रहा है। स्नेहा दुबे ने राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए जवाब दिया और कहा कि यह पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान के नेता ने यूएन के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल मेरे देश के खिलाफ झूठे और दुर्भावनापूर्ण प्रचार करने के लिए किया है। पाकिस्तानी नेता इससे अपने देश की दुखद स्थिति से दुनिया का ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां आतंकी खुलेआम घूमते हैं, जबकि आम नागरिक खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ अत्याचार किया जाता है। स्नेहा दुबे ने पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का संपूर्ण भाग भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग थे और रहेंगे। इसमें वो क्षेत्र भी शामिल हैं जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में हैं। हम पाकिस्तान से अपने अवैध कब्जे वाले सभी क्षेत्रों को तुरंत खाली करने की अपील करते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन है भारत की बेटी स्नेहा दुबे। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को आईना दिखाने वाली स्नेहा दुबे ने पहले अटेम्प्ट में ही यूपीएससी में सफलता प्राप्त की थी। वो 2012 बैच की महिला अधिकारी हैं। आईएफएस बनने के बाद उनकी नियुक्ति विदेश मंत्रालय में हुई। उन्हें 2014 में भारतीय दूतावास मैड्रिड में भेजा गया। मौजूदा वक्त में वो संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की प्रथम सचिव हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में रुचि के चलते स्नेहा दुबे ने भारतीय विदेश सेवा में शामिल होने का फैसला किया। स्नेहा ने JNU से पढ़ाई की है। उन्होंने यहाँ से MA और MPhil किया है। स्नेहा की शुरुआती शिक्षा गोवा में हुई। इसके बाद उन्होंने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से स्नातक किया। स्नेहा दुबे ने एक बार फिर बताया था कि उनके परिवार से कोई भी सदस्य सिविल सेवा में नहीं है। स्नेहा के पिता मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं और उनकी माँ टीचर है, भाई बिजनेस करते हैं। इस तरह गोवा और दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से निकलकर स्नेहा दुबे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और दुश्मन मुल्क की सच्चाई भी दुनिया के सामने रख रही हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की प्रथम सचिव स्नेहा दुबे ने कहा है कि कई देशों को ये जानकारी है कि पाकिस्तान का आतंकियों को पनाह देने, उन्हें सक्रिय करने और समर्थन देने का इतिहास रहा है। ये उनकी नीति है। ये एक ऐसा देश है जिसे विश्व स्तर पर आतंकियों को समर्थन देने, हथियार उपलब्ध कराने और आर्थिक मदद करने के रूप में पहचान मिली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।